लाए हैं लगाने के लिए, क्योंकि सब कोई बोलता है कि बारिश के मौसम से लगाने से अच्छा रहता है। देखिए, हमको तो नाम नहीं पता बट हम आपको दिखा रहे हैं। इधर देखिए, इधर भी दो गो है और अब ये उधर है, लगवाएंगे। एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे। और एक यहाँ पे। और एक उधर लगवा रहे हैं। अभी बाजार से हम लाए हैं 100 प्लांट। अभी बारिश का समय है, अभी लगाया जाता है। और अभी बारिश के समय में ही काफी पौधा लग जाएगा, मरेगा नहीं। इसीलिए एक और पौधा है, कुछ लगा देते हैं। ये 100 प्लांट है, 100 प्लांट है। ये फूल इसमें नहीं आएगा बट इसका पत्ता बहुत चमकदार होता है। इसका पत्ता बहुत चमक रहता है इसमें। और देखिए, वो जो 4 पौधा था जिसको हम इधर लगवाने वाले हैं, एक यहाँ पे और एक इधर। ये दुर्गा माता को चढ़ता है वो वाला है। और ये देखिए, एक यहाँ पे है, ये भी फूल। अभी अनुराग खेल के आया है बैडमिंटन, नहा धो के तैयार हो गया, फ्रेश हो गया। अभी इन लोग फिर खेलेगा तो हम वीडियो बनाएंगे इन लोग का। और यहाँ देखिए, अमन बैठा हुआ है और ये इस घर में पहली बार शायद मलाई निकाल रहे हैं। तो इसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं, इसका तो वीडियो हम लोग बनाए हुए हैं। अगर देखना होगा तो आप लोग हम लोग का वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज संडे का दिन है तो ये थोड़ा सा फ्री है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि बना लेते हैं। और अमन नहाया नहीं, अमन नहाएगा। हमारा अनुराग नहा लिए हैं और ये भी नहीं नहाए हैं, ये भी नहाने वाले हैं इसको करने के बाद। तो फिर और जो जो करेंगे तो आज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये देखिए, ये खा रहे हैं आज दोपहर का खाना, छिलका साग और चटनी। और किसका साग है बताइए? इसको हम लोग अपने लोकल भाषा में केथा साग बोलते हैं। अच्छा लग रहा ना? अच्छा है। और ये किडनी के लिए बहुत अच्छा साग है, उससे किडनी प्यूरीफाई होता है। और टेस्टी भी लग रहा बरसात के हिसाब से। अभी इसका सीजन है तो हिसाब से टेस्टी है और पेट भी साफ करता है। और ये भी वही सब पौधा, इधर साइड में भी हम लोग कुछ लगाए थे। ये है उड़ूल का फूल, ये कलर उसका चेंज है, अभी तक इसमें कली आना शुरू हो गया। अभी बड़ा होगा, जब बड़ा हो जाएगा तो इसका फूल ज़्यादा आता है, लेकिन ये हाइब्रिड है तो छोटा में ही फूल देना शुरू हो जाएगा। और ये और यहाँ एक अमरूद का पेड़ है ना, बहुत सारा भी है इसमें फला हुआ है। ये अमरूद अभी बहुत सारा फला वाले, इसमें ये अभी ये ठीक है, पक जाने से इसमें कीड़ा आ जाता है तो उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है, बट इसमें अभी फल बहुत ज़्यादा है। हाँ, उसको निकाली तो मेरे लिए भी फल बहुत ज़्यादा है। देखिए, अभी हम लोग इतना अच्छे में खा सकते हैं इसको, इसमें अभी रख लेते हैं वहाँ पर, उसके बाद हम लोग इसमें खाएंगे। तो अभी हम रील्स उसे बना के बैठे हुए हैं, हम और अमन। और संडे का टाइम है तो हम लोग चाय पी लिए, रील्स बना लिए हैं। और अभी देखिए, ये भी है इधर, ये भी देखिए, ये भी है इधर, ये भी बैठे हुए हैं। देखिए, अभी का मौसम बहुत अच्छा है तो आज हम लोग यहीं पे बाहर में बैठ के चाय पी रहे हैं। यहाँ देखिए, यही बैठे हुए हैं। और अभी हम लोग लेंगे गर्मा गर्म चाय का आना। चाय हम लोग के लिए आ गया है और हरे हरे घास के बीच बैठ के चाय का आनंद लेना काफी अच्छा महसूस होता है। मौसम बहुत अच्छा है तो फिर चाय पीते हैं हम लोग। ये देखिए गाइस, अभी अनुराग आ गया है ट्यूशन पढ़ के और यहाँ पीछे अमन है। अमन कुछ लेके आया है दुकान से, छिपा रहा है। तो मार क्यों रहा उसको, मार क्यों रहा? और ये यहाँ कांड हो चुका है, लड़ाई झगड़ा सब तो सही बात है, तुम गाल में क्यों दबाया उसको? गाल में क्यों दबा दिया? ये तुम्हारी गलती है। अरे ऊपर उस चॉकलेट बिस्किट लाया तो बोल ही रहा था कि तुमको देगा
लड़ाई झगड़ा मत करो। सावधान सावधान हो जावा ना। मतलब क्या था सावधान का? मतलब महाभारत में सावधान जो होता था उसका युद्ध होता था। सावधान सावधान सावधान। अमन अपना छिप गया पापा का गोदी में। युद्ध होगा फिर, युद्ध होगा। दे दो आधा, दे दो अमन आधा, उसको दे दो आधा, तुम ले लो। एक ही मिला था इसको, एक ही पैकेट था। आप इसको बराबर अच्छे से बंटवारा कीजिए, किसी का कम और किसी का ज्यादा नहीं होना चाहिए। लो दो पीस। दो पीस खाली? हाँ तो लो ना। तो प्लेट ले आएगी तो गंदा हो जाएगा उसमें। नहीं होगा, प्लेट ले आएगी। हाथ में लो ना, पहले के जमाने में हाथ में खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये जाके मेहनत करके लाया है। तो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं इसको, आपको जो इतना हिस्सा मिला और दो पौधा का जगह यहाँ बन गया है। चलो दिखा देते हैं यहाँ पर। यहाँ पे आज हम जगह बनवाए हैं अनुराग अमन के लिए, प्लांट टिफिन का। तो 10 फीट का जगह है यहाँ पे, दो पौधा दो प्लांट यहाँ पे इजिली आ जाएगा। एक अनुराग लगाएगा, एक अमन लगाएगा। और एक यहाँ पे दो वो अनयूज पौधा था, इसको हम रखवा भी साफ कर दिए हैं। लव टाइप का था, कटहल का था तो उसको हटा दिए। कटहल का, कटहल घर में अच्छा नहीं लगता है। हाँ इस जगह पे तो अच्छा, हाँ वो पीछे साइड में अच्छा लगेगा, इस तरह का जगह में अच्छा नहीं लगेगा। बड़ा पौधा बन जाए तो बड़ा पौधा का जरूरत नहीं है, काफी बड़े पौधे हैं यहाँ पे। अभी देखिए ये शीशम का पेड़ है, ये शीशम नहीं, ये सागवान का पेड़ है, काफी बड़ा होगा। इसका लकड़ी बहुत कीमती होता है, ये लकड़ी के लिए है। और बाकी बहुत सारा पौधा है यहाँ पे। अमन को, अमन के पापा बचा रहे हैं और अनुराग मारने के लिए दौड़ रहा है। कबड्डी खेल रहे हो क्या? कबड्डी 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 कबड्डी। एक छोड़ दो। देखिए गाइस, तो ये अनुराग लगा रहा है पौधा, और ये प्लांट है, ये शो प्लांट है। और हम लोग इसको यहाँ फिट कर देते हैं। कुछ ज्यादा ही बड़ा गड्ढा हो गया। नहीं बड़ा गड्ढा नहीं हुआ है। डालो इसमें पानी, ऐसे डालो, मिट्टी डालो, इसे हाथ से डालो, हाथ से डालो। और यहाँ अमन भी अपना वाला डालेगा, एक अनुराग डालेगा, एक अमन डालेगा। ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है। ये यहाँ प्लांटेशन करना जरूरी है बेटा। अच्छे से करो, अच्छे से करो। डाल देना। और ये अमन की तरह लगाया जा रहा है। डेली पानी भी देना अमन, ठीक है? ये जा रहा है प्लांटेशन, और ये बहुत अच्छा पौधा उत्पन्न हो जाएगा। चलो और देखिए इधर भी है, दो दो है कि एक इधर। और ये बहुत अच्छा पौधा है, ये पूजा में भी चढ़ता है, तो इसको अभी हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। इधर अमन भी लगा। अच्छे से लगा दीजिए। हो गया और एक है ना, ये हम लोग का रामगढ़ में भी था ना। रामगढ़ में भी था, ये जब बड़ा होगा तो इसकी खूबसूरती बढ़ेगी। गोबर काफी खाद दिया जा रहा, काफी मात्रा में खाद है, तो इससे क्या होगा कि इसको मजबूती मिलेगी और उपजाऊ मिलेगा।
पौधा लगाए थे, तो आज चेक कर रहे हैं कहीं पानी के कारण मरा तो नहीं। तो आज एकदम जीवित है, ये पूरा तंदुरुस्त है। ये पौधा रातरानी है ये। इसके अलावा ये सो प्लांट है तो ये भी अभी काफ़ी तंदुरुस्त है, तो इसको भी अभी दिक्कत नहीं है। इधर हो गया, इसके बाद ये नेक्स्ट सो प्लांट ये है, ये भी अच्छा लग रहा है ना, काफी अच्छा है। तो ये हम लोग का रामगढ़ में भी था ना। हाँ, ये भी काफी अच्छा है, तो इसमें भी अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2-3 दिन इसको ज्यादा केयर करने की जरूरत है। तो 2-3 दिन केयर हो जाएगा तो ये पूरी तरह से लग जाएगा। और ये है आम्रपाली, ये तो वही आम वाला है। उसको जब बड़ा हो जाएगा तो बहुत अच्छा फल, इसमें एक फल आया था, उसको हम लोग खाए, बहुत अच्छा लगा। गुलाब है और ये लगाया गया है नेक्स्ट प्लांट। तो ये भी अभी तक मुरझाया नहीं है, दैट मीन्स ये भी ठीक ठाक अभी पकड़ लिया, जम लिया है। और ये फूल के साथ सो प्लांट भी, और फूल भी इसमें आता है वाइट फूल, काफ़ी अच्छा। जब झाड़ी बड़ा हो जाएगा तो वाइट फूल लगेगा। ये भी कल लगा है ना, कल ये लगा है। और एक इधर है, दो यहाँ पे दो और सो प्लांट्स हैं। ये पत्ता वाला है, इसमें किसी पत्ता इसका बहुत चमकता है, ये चमकदार पत्ता है, काफ़ी अच्छा लगता है। जब बड़ा हो जाएगा तो इसका खूबसूरती बड़ा होगा, फिर भी दिखाएंगे, उस टाइम भी दिखाएंगे। और ये है नेक्स्ट, ये भी खूबसूरत पौधा है, सो प्लांट्स है, ये भी बड़ा हो जाएगा तो बहुत अच्छा सही हो जाएगा। कुल मिला के गार्डन को अच्छे से हम लोग को सजा देना है।